इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का पहला मैच के लिए इंडियन टीम का प्लेइंग 11 फिक्स हो गया है। इस वीडियो में देखेंगे बैटिंग साइड में कौन कौन है, बॉलिंग साइड में कौन कौन है, कंप्लीट प्लेइंग 11 में कौन कौन प्लेयर होगा, सब डिटेल्स देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिए, आपको फुल डिटेल्स मिलेगा। आप देख रहा है कोटियन क्रिएशंस, क्रिकेट और फिल्म का लेटेस्ट न्यूज के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओपनर विकेट कीपर हुए फिक्स, लेकिन कौन होंगे गेंदबाज, आईसी होगी प्लेइंग 11। भारत और इंग्लैंड के बीच पहले चेन्नई में शुक्रवार 5 फरवरी से शुरू हो रहे पहले टेस्ट मैच में अब सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी है। इस टेस्ट के साथ ही भारतीय टीम एक साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार घरेलू मैदान पर खेलती दिखेगी। इस मैच के साथ ही आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की जगह के लिए अंतिम दौड़ होगी। इस टेस्ट के लिए भारतीय टीम की कुछ अहम खिलाड़ी चोटिल है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में शानदार प्रदर्शन के दम पर प्लेइंग 11 के लिए कुछ अच्छे विकल्प है। ऐसे में किसी टीम में जगह मिलेगी, इस पर डालते हैं एक नजर। सबसे पहले उन नामों की बात करते हैं जिनका इस मैच में खेलना तय है। इसमें कप्तान विराट कोहली का नाम सबसे पहले, क्योंकि वो 3 मैचों की ब्रेक के बाद वापसी कर रहे हैं। कोहली टीम की कमान संभालने के साथ ही चौथे नंबर पर लौटेंगे। वही ओपनिंग में रोहित शर्मा, तीसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा और 5वें नंबर पर अजिंक्य रहाणे खेलेंगे। इनके अलावा गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन की जगह पहले से ही तय है। अब बाकी बची जगहों को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। 7 बल्लेबाज होंगे या 5 गेंदबाज, बेहतर विकेट कीपर या असरदार बल्लेबाज, युवा ओपनर या अनुभवी का मौका, ऐसे कुछ सवाल है जिनमें से कुछ के जवाब भारतीय कप्तान विराट कोहली दे भी चुके हैं। रोहित शुभमन की जोड़ी रहेगी बरकरार। सबसे पहले बात ओपनर की। ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू करने वाले युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने शानदार ओपनिंग में शानदार प्रदर्शन किया था। ऐसे में उनका इस सीरीज में भी शुरुआत करना तय है। हालांकि मयंक अग्रवाल का घरेलू जमीन पर 99 की औसत का टेस्ट रिकॉर्ड भी अनदेखा करना आसान नहीं है, लेकिन टीम ऑस्ट्रेलिया की सफलता को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। कप्तान कोहली ने कहा कि रोहित के साथ शुभमन को ओपनिंग में लंबा मौका देना चाहते हैं। ऋषभ पंत देंगे बैटिंग और कीपिंग को धार। अब बात विकेट कीपर की, ये थोड़ा पेचीदा मुर्दा है। ऋषभ पंत ने बल्ले से ऑस्ट्रेलिया में सभी आलोचकों का मुंह बंद किया, लेकिन कीपिंग पर सवाल बरकरार है। भारत में स्पिनरों के खिलाफ हालत और मुश्किल हो जाते हैं। ऐसे में वृद्धिमान शाह का दावा मजबूत होता है, लेकिन टीम पंत की सफलता के साथ ही आगे बढ़ाना चाहती है और कप्तान कोहली ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। ईशांत की तेजी आएगी काम, किस स्पिनर का आएगा नाम। गेंदबाजों की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू कर प्रभावित करने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपना दावा ठोक जरूरी है, लेकिन पहले टेस्ट में टीम सिर्फ 2 तेज गेंदबाजों के साथ उतरेगी। ऐसे में बुमराह का साथ देने के लिए ईशांत शर्मा का अनुभव काम आएगा। स्पिन डिपार्टमेंट सबसे बड़ी पहली है, ये बात लगभग तय है कि टीम 3 स्पिनरों के साथ उतरेगी। अश्विन की जगह पक्की है। अब कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल में से किसे मौका मिलेगा। कुलदीप को पिछले 2 साल से भी ज़्यादा वक्त से टेस्ट क्रिकेट में मौका नहीं मिला है। चेन्नई के पिचों और 22 के स्पिनर के खिलाफ इंग्लैंड के संघर्ष को देखते हुए उन्हें मौका मिलना तय है। कोहली भी बोल चुके हैं कि कुलदीप में काफ़ी सुधार हुआ है और उन्हें काफ़ी मौके मिलेंगे। वहीं वाशिंगटन और अक्षर एक जैसी स्किल वाले गेंदबाज हैं, दोनों रनों के रोक सकते हैं और विकेट भी निकलते हैं, साथ ही बल्ले से भी उनमें असर डालने की काबिलियत है। वाशिंगटन ने ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू मैच में अच्छी पारियों भी खेली। तीसरे स्पिनर के तौर पर टीम वैसे भी उसी गेंदबाज को रखना चाहते हैं जो रविंद्र जडेजा की तरह बल्ले से भी काम करे। कोहली के बयान से समझा जाए तो अक्षर का दावा मजबूत है, क्योंकि वो जडेजा की तरह बाएं साथ से गेंदबाजी करते हैं और बेहतर फील्डर भी है। भारत की संभावित प्लेइंग 11, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, आर अश्विन, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव। ये था अभी का न्यूज़। क्रिकेट और फिल्म का लेटेस्ट न्यूज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।